यूज कर सकते इतने करली साइन पा लव या करली की थां ते तुसी बेशक इनू एस एच जिहड़ा वा उह डी दी फॉर्म च रिप्रेजेंट कर दो। मतलब इहदा इही होएगा कि तुसी एस एच यू दी टर्म च चेंज की आ रही है आर दे नाल यू दे अंदर आर दे नाल क्या चेंज आ रही है असी उहनू स्टडी करना उहदे लई असी कह रहे हैं यू दी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू आर ते जो रिजल्ट बचेगा दैट्स कॉल्ड एज़ अ एनर्जी फोर्स। क्या आ गल समझ लगी? यस सर। बुक चंगी तरह पढ़ने वाला टॉपिक आले दुआले सारे जो मैं दसदा पे पॉइंट्स उत्ते दित्ते हुए पढ़ चंगी तरह लियो बेटा। जदों मैं बॉडी नूं उपर नूं लिफ्ट अप करांगा ते मैं जिहड़ा वर्क कीता वो बॉडी दे अंदर प्लस एम जी एच बन के स्टोर हो गया एंड दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ते जे नूं मैं छड़ दवां फिर वर्क किन्ना होया जी? माइनस एम जी एच। इहदा मतलब ये हो गया बुक दे विच उहने तुहानूं की आ एक फर्क मिलेगा जो आपां सारा कुछ करदे पए इत्थे एक माइनस लगी मिलेगी। ते पुत माइनस का मतलब यह होएगा कि जे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आ जे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है तो मेरा उस मूवमेंट पर पोटेंशियल एनर्जी या वर्क जिहड़ा वो पॉजिटिव आ ते जे वर्क डन इन फेवर ऑफ ग्रेविटी आ फिर उदों मेरा जिहड़ा वर्क या पोटेंशियल एनर्जी आ वो नैगेटिव च होए। सो इत्थे माइनस या प्लस का साइन जिहड़ा वा वो मैनूं ये दसदा कि भी वर्क अगेंस्ट आ या वर्क इन फेवर ऑफ ग्रेविटी आ। क्या आ गल समझ लगी? यस सर। यस सर। इन्नी गल सारिआं नूं समझ लग रही बेटा? simultaneously ਉਹਦਾ x y ਤੇ z ਤਿੰਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਆ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ du / dx + du / dy ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੋ। हाँ जी हाँ जी कर रहे हैं बेटा इन जी फोर्स होएगी असी उन्होंने एस एच तीन एक्सिस दे अलोंग जिहड़ा वा ठीक है पोटेंशियल एनर्जी दी वेरिएशन तीन एक्सिस दे करके आपां फोर्स दे तीन कंपोनेंट कढ सकदे आ। क्या आ गल समझ लगी? यस सर। यस सर। लास्ट वर्ड दे रहा हूं ठीक है लास्ट वर्ड इदा याद रखियो पेपर दे अंदर यही क्वेश्चन पाना होवे तां तुहानूं असी इदा पा सकदे आ कि भी जिहड़ा प्रूव दैट कि फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। एक वर्ड ऐड कीता ग्रेडियंट है ना बेसिकली ग्रेडियंट का मतलब होंदा कि व्हेन द गिवन टर्म डिवाइडेड बाय डिस्टेंस तुसी किसे टर्म नूं जे डिस्टेंस नाल डिवाइड कराने हो तो असी उहनूं नाम दे दिंदे कि भी ग्रेडियंट आ। मतलब यह आ कि जे मैं आ एक बॉडी नूं इत्थों चुक के इत्थे तक लैके जाना 10 मीटर चुकनी आ ते 10 मीटर दे अंदर उहदी टोटल 100 जूल दी एनर्जी चेंज हुई आ ते मैं तुहानूं इह पुछां एक मीटर च किन्नी चेंज हुई जी दूजे मीटर च किन्नी चेंज हुई तीजे मीटर च किन्नी चेंज हुई तो तुसीं क्या करो जिहड़ी टोटल चेंज आई है 10 मीटर च है ना एस एच 100 जूल नूं 10 नाल डिवाइड कर ला तो मैनूं एक एस एच मीटर दे अंदर किन्नी एनर्जी चेंज हुई वो कैलकुलेट हो जाओ। यस सर। पेपर दे अंदर एस एच क्वेश्चन यह होवे कि प्रूव दैट कि भी फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। तो बेटा तुसी आ चीज सिर्फ एक तो ए करोगे कि जो आ रिलेशन लिखना शुरू करोगे ना तो आ टर्म जी ये नैगेटिव च लैके चलेंगे बस गल समझ लगी जो बोलिया मैं कि जे नैगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेगा यानी इतने माइनस साइन इनवॉल्व होएगा तो फिर तुसी इतने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जी वो माइनस से डिफाइन करके चलोगे। क्या गल समझ आ गई? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और दूजे पासे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नूं
असी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट ना किदा लिंक करते हैं, ठीक है, उन्हों आपे इत्थे कंप्लीट कर दे पे, क्या हो जू इना टॉपिक? यस सर, यस सर, चल मैं इसको करदा फिर इस तो बाद कर, यस सर।